भगवान का दिन है, आज दिन है सोमवार का भी, और आज से हमने अपना फास्ट भी शुरू कर दिया। सावन के चार सोमवार होते हैं, पांच दिन की दहाई आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग वही मृत्युंजय भगवान यहीं पर हैं, तो हमारे बहुत नसीब है कि यहाँ हमारे नगरी में सारे भगवान मौजूद हैं। बड़ी कृपा है उनकी जो हमें इतना आराम दर्शन मिल पाता है उनका। बहुत धन्यवाद कह सकते हैं हमारे जो हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं, और यहाँ दर्शन करना इतना ज़्यादा हमारे लिए आसान। लोग कहाँ कहाँ से दर्शन करने आते हैं और हम पास में रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का जाप बस कर लेने से आप जानते हैं कितना फल मिलता है, और हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है हमारे। और आज आपको दर्शन कराएंगे महामृत्युंजय। तो चलिए आपको अब दर्शन करवाते हैं, और हम मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो यहाँ आपको बहुत सी दुकानें दिखाई दे रही होंगी। ये थोड़ी पतली सी गली है, बनारस की गलियाँ तो हुफ तोबा, गली गली इतनी गली होती है ना कि आप एक गली से दूसरी गली में आराम से जा सकते हैं। और इतने मंदिर हमारे बनारस में हैं कि बस पूछिए मत, आपको जगह जगह मंदिर मिल जाएंगे। दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है, कहते हैं मंदिरों का शहर है बनारस, तो बनारस की बात ही अलग है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं बनारस की नगरी में रहती हूँ। मैं बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में रहती हूँ, महामृत्युंजय की नगरी में रहती हूँ। तो आज दर्शन कराते हैं आपको महामृत्युंजय बाबा की। हमारा फास्ट था मेरा और मेरे हस्बैंड जी का, तो हम दो जन दर्शन करने के लिए महामृत्युंजय मंदिर में आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, ये हम मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। आपको मंदिर का पट दिखाई दे रहा होगा और भीड़ भी दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कितनी ज़्यादा भीड़ है ये आप देख सकते हैं। रात के 9 बज रहे हैं और आप भीड़ की संख्या देखिए, कितनी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ये देखिए माला फूल की दुकानें लगी हुई हैं, तो हमने भी अपने हाथ वाथ धोए और माला लेने की तैयारी में लग गए। और भीड़ देख कर तो मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं दर्शन मुझे मिल भी पाएगा आज। एक छोटा माला एक खरीदिए, इसको रख लीजिए, तो अभी ले आ रहे हैं। तो माला फूल के साथ बेलपत्र तो होना ही चाहिए। तो बेलपत्र वगैरह हम लेने के बाद हम तुरंत लाइन में लग गए, और भीड़ देख के तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये रात का समय है, रात के 9 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। लेकिन सोच तो मैंने लिया था कि दर्शन मुझे कैसे भी कैसे करना ही करना है आज। इन्होंने कहा चलो चलते हैं, फिर कभी दर्शन कर लेंगे। मैंने कहा यहाँ तक आके और दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। दर्शन तो मैं करके रहूँगी और दर्शन में आप करवाते भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा है, पर हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम भी लग गए हैं लाइन में। जेंट्स की लाइन अलग है, लेडीज़ की लाइन अलग लगी हुई है। तो हम भी लाइन में लग चुके हैं, और अब देखिए आपको बहुत ही जल्दी दर्शन मिलेंगे बाबा महामृत्युंजय के। तो यहाँ माला फूल वगैरह लेकर दर्शन कर। तो आप सभी महामृत्युंजय जाप करते हुए दर्शन कर लीजिए महामृत्युंजय बाबा की। और ये देखिए बहुत ही पास हम खड़े हैं दर्शन करने के लिए, और देखिए सब लोग जल ले रहे हैं हाथ में, और सभी लोग नारा लगा रहे हैं महामृत्युंजय का, हर हर महादेव का। तो ये देखिए हल्की सी झांकी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जरा सी मैंने एक मिनट के लिए मैंने क्लिप बनाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में मोबाइल एकदम मना होता है, पर किसी तरह से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी कर ही ली। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए बाबा महामृत्युंजय की जय। तो यहाँ देखिए हाथ जोड़ लीजिए, जल पी लीजिए आप सब भी, और दर्शन करने के तुरंत बाद यहाँ देखिए हम सब चंदन का टीका लगवा रहे हैं। मुझे ये टीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, एकदम मन शांत हो जाता है और सर ठंडा तो होता ही है। और मंदिर में जब भी मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ हूँ चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊँ,
मैं टीका जरूर लगवाती हूँ। और ये जो माता जी बैठी थी, इन्होंने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि मन बहुत ही खुश हो गया मेरा। लगता है ना कभी किसी किसी के मुंह से सरस्वती माता विराज गई हों और उनके मुख से जो भी बात निकलती है ना, लगता है कुछ भगवान खुद ही बोल रहे हों। इन्होंने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, मेरे सुहाग को लेके, मेरे बच्चों को लेके मुझे बहुत खुशी हुई। और चले चलते हैं अब मंदिर के अंदर, दर्शन करवाते हैं आप सबको। तो मंदिर में छोटे छोटे बहुत से शिवलिंग रखे गए हैं, कई देवी देवताओं को स्थापित किया गया हुआ है। तो यहाँ देखिए हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, तो लाइटिंग की कमी यहाँ पर है क्योंकि ये पीछे का रास्ता है। कोई नहीं, अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ बैठे हैं कई ठो बाबा जी लोग। तो अब यहाँ आप आगे देख सकते हैं, यहाँ शनि भगवान का मंदिर है, गणेश जी भगवान का मंदिर है, बहुत से देवी देवताएँ यहाँ पर हैं। और मंदिर तो बहुत ज़्यादा विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ आप सब भी नतमस्तक कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर भगवान शनिदेव का दर्शन भी किया जा रहा है। हम सब की रक्षा करें भगवान, हम सबको जो भी हमसे गलतियाँ हुई हों भगवान उसे क्षमा कर दे। और यहाँ देखिए मंदिर के अंदर कई शिवलिंग रखे गए हैं, कई प्रकार के छोटे बड़े और सभी प्रकार के वहाँ पर नाम भी स्थापित किए गए हैं। जो नाम यहाँ देखिए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और अभी तो सावन चढ़ा भी नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ अभी से होनी शुरू हो गई। और यहाँ देखिए ये जो कुआं है ना, इसके भी अपनी एक अलग कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ जो भी लोग दर्शन करने के आते हैं इस कुएं का पानी ज़रूर पीते हैं। और इतना ठंडा ठंडा पानी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे कि किसी ने इसमें अमृत घोल दिया हो। तो देखिए हमें बिना पानी पिए जा से सकते थे, यहाँ देखिए यहाँ मैं भी पानी पी रही हूँ। और भीड़ इतनी ज़्यादा देख सकते हैं क्या बढ़ती जा रही है। पानी यहाँ का बहुत मीठा होता है, बहुत स्वाद लगता है जैसे किसी ने प्रसाद घोल दिया हो उसके अंदर। तो यहाँ देखिए अंदर चलते जा रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बड़े कई यहाँ पर आपको शिवलिंग दिखाई देंगे। आप सभी मेरे से बराबर हाथ जोड़ते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए प्रभु का। तो ये देखिए बनारस में आपको इतने ज़्यादा इतने मंदिर मिल जाएंगे जितने मंदिर मुझे लगता नहीं कहीं और होंगे। छोटे बड़े यहाँ बहुत अधिक मंदिर हैं और बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, मंदिरों का शहर कहते हैं बनारस को। तो ये देखिए यहाँ पर जल शिवलिंग पे जल गिर रहा है। तो आप सब भी बेलपत्र लगा के माथे पर अपने भगवान को याद कर लीजिए, उनका हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए। छोटे बड़े बहुत अधिक मंदिर हैं, बहुत अच्छे मंदिर बनाए गए हैं। और देखिए मैंने भी लगवा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं अब मंदिर से बाहर, हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ रहा है, बाहर ही खड़े हैं, भीड़ देख के बाहर खड़े हो गए। देखिए यहाँ पर अभी कीर्तन चल रहा है, वहाँ पर जाप यहाँ चल रहा है। तो मैंने अपना फास्ट तो आज से शुरू कर दिया है क्योंकि 5 सोमवार रह जाते हैं। तो आज हमारा पहला सोमवार है और सावन चढ़ने पर तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगती है, कांवरिया बाहर से आए लगते हैं। तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा इतनी भीड़ होती है। बहुत महिमा है इस महामृत्युंजय मंदिर की फ्रेंड्स, बहुत महिमा है। और ये जो पूरा मोहल्ला है ये महामृत्युंजय मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। और ये दयानगर में उपस्थित ये मंदिर है। और यहाँ देखिए यहाँ पे बाबा शंकर भगवान का कितना ज़्यादा मंदिर बना, मतलब कितना शिवलिंग बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही पूरा मैं बनारस घूम लिया करिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी कुछ यही रहती है कि आप बनारस को मेरी नज़रों से देखिए कि बनारस कितना ज़्यादा सुंदर है और ये पूरा मंदिरों का शहर है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही पूरा पूरा दर्शन कर लीजिए ताकि आपको भी घर बैठे ही सौभाग्य मिल जाए दर्शन करने का। और आपका मन भी कर जाए कि बनारस बहुत जल्द से जल्द जाए और काशी विश्वनाथ की, महामृत्युंजय की, केदार जी के दर्शन कर सकें।
तो यहाँ देखिए मैं मंदिर से अभी बाहर निकल रही हूँ और अभी भीड़ की संख्या देखिए। मैंने अभी दर्शन आगे से किया हुआ था और फिर मैं मंदिर के अंदर ले गई आप सबको और अब मंदिर के मैं बाहर निकल रही हूँ। तो देखिए यही वो पट है जहाँ बाबा महामृत्युंजय का मंदिर है और आप देखिए भक्तों की कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन लंबी लाइन होने के बावजूद भी मैं सोचा कि दर्शन मैं कराऊँ आप सबको। दर्शन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया, बहुत खुश और आज का मेरा व्रत सफल हो गया। अब चलते हैं घर और घर खाना ही बनाना है, लेट हो रहा है। दर्शन करके मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही खुश।